नमस्कार, मैं डॉक्टर सुपर सिंह, डायट प्रवक्ता गोरखपुर। मैं आप लोग के बीच में आज जो है चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध विषय में जो दूसरा यूनिट है उस दूसरे यूनिट के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। वह दूसरा यूनिट जो है वह यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं वह एजेंसियां प्राथमिक स्तर की शिक्षा में कैसे योगदान दे रहे हैं, या यह कह लिया जाए कि जो ये अभिकरण है वह प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर की व्यवस्था के लिए वह किस आधार पर जो है अपने कार्यों को संचालित कर रहा है। उन एजेंसियों में जो मुख्यतः एजेंसी के रूप में हम देख सकते हैं तो उन मुख्य एजेंसी यह है NCERT, NIPA, NCTE, IGNOU और NIOS। ये मुख्यतः पांच जो ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहा है। उन इस सत्र में उन पांचों पे चर्चा कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उसके एक पार्ट जो NCERT है आज हम NCERT के कार्यों, उसके उद्देश्य, उसकी स्थापना के संदर्भ में हम लोग जो है आज बात करेंगे। तो आइए NCERT के बारे में हम लोग चर्चा करें। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं NCERT यह कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर बना है, और निश्चित तौर पे यह जो अंग्रेजी के वर्णमाला के जो अक्षर है वह किसी न किसी शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां जो उसकी प्रेजेंटेशन का जो बात है, N से नेशनल, C से काउंसिल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च एंड T से ट्रेनिंग। हम कह सकते हैं कि NCERT का जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब बात आती है कि इसके स्थापना का औचित्य क्यों हुआ या क्या आवश्यकता थी कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था में NCERT जैसे संस्थान का आवश्यकता को महसूस किया गया। इसकी रेस्टेट के आधार पर या तर्क के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि उसके पूर्व में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए होंगे निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उसके आधार स्तंभ स्थापित किए होंगे कि ऐसी संस्थाओं का भारत में शिक्षा व्यवस्था के विकास करने के लिए एक संस्थान का निर्माण किया जाए। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग देखें तो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ होगा तो हम पाते हैं कि शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या कह लिया जाए कि भौगोलिक रूप से जो हमारी स्थिति थी निश्चित तौर पे बहुत ही उथल पुथल रही होगी। उसके बावजूद भी यह माना गया कि जो हमारे शिक्षाविद हैं या राजनीति के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले जो नेता हैं, राजनेतज्ञ हैं, वह क्यों एक ऐसे पहलू पे या एक ऐसे अभिकरण को क्यों मानते हैं, या आप देख सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो पूरी राष्ट्र की प्रगति के लिए जो है दिशा निर्देशित कर सकती है। और उसी के क्रम में स्वतंत्र भारत में जब देश आजाद हुआ इन परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम आयोग बनाने के लिए संस्तुति प्राप्त हुई। निश्चित तौर पर उस आयोग को हम राधाकृष्णन आयोग के रूप में जानते हैं, और वह आयोग की जो केंद्र बिंदु थी वह विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संदर्भ में थी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा की जो पिरामिड है उस पिरामिड में जो उच्च या विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वह ऑप्टिमल स्टेज या सिस्टम स्टेज को जो है प्रदर्शित करती है, लेकिन उसकी जो आधार है, जो उसके आधार स्तंभ है निश्चित तौर पर वह माध्यमिक और प्राथमिक स्तर है। और उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा का अगर विकास की बात कही जाए तो निश्चित तौर पे जब तक हम इन दोनों पहलुओं पे हम गुणात्मक विकास नहीं कर पाते हैं तब इस उच्च शिक्षा या जो ऑप्टिमल स्टेज की जो शिक्षा है उसका गुणात्मक विकास कर पाना हम कठिन अवश्य मानते हैं कि कठिन ही होगा। वो इसी के क्रम में निश्चित तौर पे यह महसूस की गई जब 1952-53 में मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग बनी तो यह उसमें बात आई कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती है कि जब तक उसके माध्यमिक या उसके नीचे की पहलुओं की जो शिक्षा के जो स्तर है
उनमें हम लोग गुणात्मक विकास न कर पाए तब तक हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में बात नहीं करता। निश्चित तौर पर जो मुदरियर आयोग थी वह माध्यमिक स्तर में क्या क्या दोष हैं उन दोषों को इंगित करे तथा उन दोषों को दूर करने के लिए इस जो आयोग बनी थी कौन सी संस्तुतियां थी इसके संदर्भ में उन्होंने चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम देखे हैं कि एनसीईआरटी की जो जड़े हैं कहीं न कहीं हमारे मुदरियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग में देखने को मिलती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग की ही सिफारिश थी कि हम अपने क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरत है कि जो हमारे यहाँ जो शिक्षक काम कर रहे हैं माध्यमिक स्तर के नीचे के जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनका प्रशिक्षण कितना बेहतर हो, उन शिक्षकों में नवाचार कैसे लाया जाए आदि के संदर्भों में ये सुझाव दिया गया कि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय एक राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसे नियामक संस्थान या एक शैक्षिक संस्थान स्टैब्लिश करे जो माध्यमिक स्तर के नीचे की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और उसमें क्वालिटी एजुकेशन को विकसित करने के लिए अपना योगदान दे सके। निश्चित तौर पर उसी के क्रम में 1961 में हमारे एनसीईआरटी का गठन होता है और यह अपना काम 1 सितंबर 1961 से करना प्रारंभ कर देता है। ये तो रही उसकी स्थापना की जो विस्तार है तर्क है क्यों इसको स्थापित किया गया उसके संदर्भ में हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना की उद्देश्य क्या है। निश्चित तौर पे जो आपने उसके लोगों को देखा होगा तो उसमें 3 हंस हैं एक घेरे में बने हुए हैं और तीनों अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायनेस्टल स्टेट में वो रिप्रेजेंट करते हैं और तीनों का अलग अलग रूप है। वह हंस जैसे कि आपने हिंदी साहित्य में देखा होगा कि हंस ही एक ऐसा कले की पशु है जो पशु या पक्षी है जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता को विकसित कर सकता है। निश्चित तौर पे इस प्रकार की परिकल्पना की गई होगी हमारे भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि एनसीईआरटी भी जो है इसी प्रकार का काम करे कि जो क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन कर सके। और निश्चित तौर पे वह जो 3 हंस है वो 3 डायमेंशन है, वह तीनों का एक अलग प्रारूप है जिसमें एक का अर्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है ट्रेनिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। निश्चित तौर पर उसके उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं कि ये जो एनसीईआरटी का उद्देश्य होगा शोध और उसके विकास करने के संदर्भ में होगा, वह किसके माध्यमिक स्तर के नीचे की जो भी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं या शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें नवाचार है आईसीटी है या पब्लिकेशन है आदि के संदर्भों में जो है वह अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करे। दूसरा जो उसका टर्न है डायमेंशन है ट्रेनिंग। निश्चित तौर पर जो आप हम महसूस कर सकते हैं शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है और जैसा शिक्षक होगा निश्चित तौर पे समाज भी वैसा होगा, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि शिक्षकों का समय के साथ साथ जो है उसमें ट्रेनिंग की जाए। निश्चित तौर पे यह एनसीईआरटी का एक मुख्य उद्देश्य के रूप में इसको इंगित किया जा सकता है। तीसरा जो है एक्सटेंशन या प्रसार के संदर्भ में, इन दोनों का कैसे प्रसार हो या अपने भारत में क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हम विकसित कर सकते हैं उन संदर्भों में जो है उनके उद्देश्य को हम परिभाषित कर सकते हैं या देख सकते हैं। तीसरे पहले में हम बात करेंगे कि जो एनसीईआरटी के जो संगठक या विभाग हैं उन विभागों के बारे में हम बात करेंगे कि जो उनके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो हमारे एनसीईआरटी के जो संगठक या विभाग हैं वह कैसे कैसे काम करते हैं या कौन कौन से ऐसे संगठक हैं या विभाग हैं जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। उसमें हम पाते हैं कि जो पहला जो है विभाग है जो एनसीईआरटी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यह उसका केंद्रीय संस्थान है जो उसके 3 भागों में उसको बांट के देख सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंट है डिविजन्स है और सेल्स है। निश्चित तौर पर हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए ये हमारे संगठन की जो प्रथम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वह कैसे कैसे योगदान दे रहा है। तो उन डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल स्टडीज है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन है और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज है। जो यह डिपार्टमेंट हमारे उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं।
साथ ही साथ जो दूसरा उसका पहलू है डिविजन, वह डिविजन जो है पब्लिकेशन डिविजन है, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट डिविजन है, इंटरनेशनल रिलेशन डिविजन है, एजुकेशन रिसर्च या उसके सब्जेक्ट जो काम है वह उसके डिविजन अलग से है, तथा साथ ही साथ जो प्लानिंग और मॉनिटरिंग करने की जो डिविजन है वह बहुत हद तक इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। जो तीसरा उसका जो पहलू है उसके सेल्फ, निश्चित तौर पर तमाम सरकार की योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का एनसीईआरटी बखूबी से अपने दायित्व का निर्वहन करती है, और उसी क्रम में जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013 में लागू हुआ तभी से एनसीईआरटी में रमसा सेल के नाम से यह अपना योगदान दे रहा है। साथ ही साथ हिंदी सेल है हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, तथा पब्लिक रिलेशन का जो एक सेल है जो आपसी संबंधों को कैसे मजबूत किया जा सके राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के माध्यम से या जो अपने नेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से वह कैसे उसको विकसित कर सकते हैं ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो इसके संकट में हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर पाते हैं कि एक NIET जो इसके अक्षर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, जो पहले एनसीईआरटी का एक विभाग हुआ करता था श्रव्य दृश्य विभाग, निश्चित तौर पर 1981 में एक अलग एक इसी के संक्षेप बाड़ी के रूप में अपना काम कर रहा है, और शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में या पब्लिकेशन के संदर्भ में या ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग क्लासेस के संदर्भ में यह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तीसरा जो संक्षेप है वह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हम पाते हैं कि यह जो संस्थान है वह शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में अपना विशेष योगदान देते हैं। निश्चित तौर पर हमने पूर्व में जब हम बात किए थे कि एनसीईआरटी के स्थापना के संबंध में, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन 1963 में यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक संस्थान केवल एनसीईआरटी शिक्षक शिक्षा में बहुत हद तक काम नहीं कर सकता है, इसके लिए इसके एक संख्या के रूप में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश की जाए, और वह विभिन्न प्रांतों भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षक शिक्षा को कैसे मजबूत कर सकता है उसके संदर्भ में अपना योगदान दिया। उस समय 1963 में भारत में केवल और केवल 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश थे, वह था अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में और मैसूर में। लेकिन इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए एक अन्य 2005 में जो है शिलांग में RIE या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश की है, और उसका एक आखिरी जो संख्यक है पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में भोपाल में स्थित है और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है। ये शिक्षा जगत में निश्चित तौर पर एनसीईआरटी का योगदान, माध्यमिक स्तर की नीचे की जितनी भी अभिकरण है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के संदर्भ में, या आप उसको कहें कि शिक्षक के संदर्भ में या शिक्षार्थी के संदर्भ में या उसकी कैरिकुलम के संदर्भ में, इन तीनों संदर्भों में यह अपना योगदान महत्वपूर्ण दे रहा है। शिक्षकों के संदर्भ में योगदान देने का काम कैसे है, तो निश्चित तौर पर उसके प्रशिक्षक के आधार पर, उसकी ट्रेनिंग के आधार पर उनको इनरीच टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए शोध एवं नवाचार के संदर्भ में विशेष योगदान दे रहे हैं। तो साथ ही साथ छात्रों के संदर्भ में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए, छात्रों के संदर्भ में कौन कौन से संघर्ष किए जाए, उन संदर्भों में छात्रों के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तथा जो तीसरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो कंपोनेंट है कैरिकुलम, निश्चित तौर पर एनसीईआरटी कैरिकुलम ड्राफ्ट करने के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसलिए जो है हम पाते हैं कि एनसीईआरटी हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को वृद्धि करने के लिए या उसमें क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज केवल हम एनसीईआरटी के बारे में बात कर पाए, निश्चित तौर पर अगले टर्न में जो है जो प्राथमिक स्तर के संदर्भ में जो अभिकरण है, जो अन्य अभिकरण जैसे NCTE है, NIPA है, IGNOU है, NIOS है, के संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।